अगर यहाँ पे टेम्परेचर -50 से नीचे चला जाता है ना तो स्कूल की छुट्टियां हो जाती है। यहाँ के जो काफी पॉपुलेशन है यहाँ से छोड़ के अब दूसरी जगह पर मूव हो रही है। -71.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था ना वो इसी जगह पे हुआ था। और ये है भाई मेरी सर्टिफिकेट ओमियाकॉन विजिट करने की। आज से 15-20 दिन बाद ये 6 घंटे के दिन भी 4 घंटे या 5 घंटे के बन जाएंगे। ये दाढ़ी जम गई है और आंखों के ऊपर जो पलक है वो भी जमनी स्टार्ट हो गई है। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मेरी लाइफ का है सबसे ठंडा दिन। बाहर का टेम्परेचर है 56। इन्होंने मुझे बताया कि आज सुबह सुबह जो टेम्परेचर था वो 56 मतलब 56 माइनस डिग्री पहुंच चुका था। यहाँ के ठंड के बारे में क्या ही बताऊँ यार, नेक्स्ट लेवल ठंड है। जिनके घर पे मैं रुका हुआ हूँ ना वो जो भाई साहब थे कल आपने वीडियो में देखे होंगे उन भाई साहब ने मुझे ये दे दिए हैं बूट्स। और ये जो एक्सपीरियंस है ना भाई नेक्स्ट लेवल है। वैसे अभी हूँ मैं ओमियाकॉन के अंदर लेकिन ओमियाकॉन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। 3 गाँव है ओमियाकॉन के आसपास। ओमियाकॉन ये तो था अतः बेरेक गोदिया। अभी हूँ मैं बेरेक गोदिया में और जो ओमियाकॉन है वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है और ओमियाकॉन से आगे एक और गांव है उसका नाम भी कोश करके कुछ है। तो ये 3 गांव पड़ते हैं इस एरिया में। तीनों गांव को मिला के एक ओमियाकॉन बनता है। एक गांव दुनिया का सबसे ठंडा गांव है। यहाँ पे एक बार टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था -71 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे लोग रहते हैं। भाई आप सोच के देखिए नॉर्मली इतना टेम्परेचर जो अपने नॉर्थ और साउथ पोल है ना उनके ऊपर भी नहीं रहता है शायद। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर सर्दियों के टाइम पर -50 से -55 डिग्री सेल्सियस रहता है जैसे आज -56 डिग्री सेल्सियस पहुंचा हुआ। वैसे सुबह सुबह आज एक बस थी लेकिन टेम्परेचर इतना कम होने के कारण जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी छुट्टी हो गई। अगर यहाँ पे टेम्परेचर -50 से नीचे चला जाता है ना तो स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती हैं और जो स्कूल के बच्चे हैं ना वो फिर घर पे बैठ के अपने मजे कर सकते हैं घर पे रह सकते हैं। तो इस कारण से जो सुबह सुबह बस थी सुबह 8 बजे की वो बस भी कैंसिल हो गई। उधर है बस स्टैंड और ये देखिए ये वाले ग्लव्स पहने हुए मैंने आज। इनके नीचे एक और ग्लव्स हैं और उसके ऊपर ये। तो इस कारण से आपको ठंड और जो फ्रॉस्ट बाइट का डर है वो नहीं होगा। और नीचे मैंने ये वालूम की पहनी हुई है। साइबेरिया में ठंड से बचने का ये बेस्ट उपाय है। बाहर देखिए सब कुछ व्हाइट हो रखा है। अभी यहाँ पे सुबह के 10 बज चुके हैं। सुबह हम उठे थे 7 बजे फिर सुबह पता चला कि ठंड इतनी ज्यादा हो रखी है तो इस कारण से जो बस थी वो तो हो गई थी कैंसिल। तो उन्होंने बोला कि वापस सो जा 1-2 घंटे बाद वापस उठेंगे फिर चलेंगे ओमियाकॉन। तो अब शायद जो एक मिनी वैन है उसका वेट कर रहे हैं वो आएगी हमें पिकअप कर लें और वो लेके जाएगी हमें ओमियाकॉन। स्कूल का किलोमीटर ओमियाकॉन सेम किलोमीटर मैं थोड़ा गलत था 3 किलोमीटर नहीं यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर ओमियाकॉन। हर जगह भाई बर्फ की चादर बिछी हुई है मस्त तरीके से। कैमरा मस्त तरीके से परफॉर्म करता है इतनी ठंड के अंदर। बैठ गए भाई इस मिनी बस के अंदर जो हमें ओमियाकॉन लेके जाएगी। अंदर आती अब हालत खराब हो जानी है कैमरा की। दबा के पानी को अट्रैक्ट करेगा। ये देखिए कैमरा के ऊपर पानी मस्त जम चुका है और 99% चांसेस हैं कि जब मैं वापस इंडिया जाऊंगा ना तो इस कैमरा की बैटरी खराब हो चुकी होगी। तो निकल चुके हैं भाई जो GoPro है उसके ऊपर मस्त तरीके से फोग जम चुका है क्योंकि कैमरा ठंडा हो गया था और जैसे गाड़ी के अंदर बैठे गाड़ी अंदर से गर्म है तो गाड़ी के अंदर जितना भी मॉइस्चर था सब उसने अट्रैक्ट कर दिया बर्फ से जम गई उसके ऊपर। तो उसको ठीक होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। इतनी ठंडी जगह में आके वीडियो और शेडियो बना रहे हो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका एक गैजेट हमेशा गर्म रहना चाहिए। अगर आप दोनों गैजेट एक साथ भर रखोगे ना तो चांसेस हैं कि दोनों ख़राब हो सकते हैं एक साथ क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है और वो जो बैटरी है ना उसको बहुत गंदे तरीके से इम्पैक्ट करता है। और दूसरा जब आप किसी भी गर्म जगह पर जाओगे चाहे वो गाड़ी हो या फिर घर हो तो वहाँ जाते तकड़ा मॉइस्चर को अट्रैक्ट करेगा। सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए सुबह सुबह उठ के -56 डिग्री सेल्सियस में वॉशरूम जाना। भाई क्या ही बताऊँ इतने कपड़े पहन के वो एक तो ढंग से बैठा भी नहीं जाता और यहाँ पे ओपन पिट वॉशरूम है तो आपको इंडियन स्टाइल में बैठना पड़ता है वेस्टर्न स्टाइल वाले नहीं है ओपन पिट है। तो भाई लद्दाख में आपने काफ़ी जगह देखी होगी एक जगह बना रखी होती है वहाँ पे नीचे गड्ढा खुदा हुआ होता है उसी के अंदर आपको अपनी प्रक्रिया करनी होती है। यहाँ पे वॉशरूम जाना गिरता है ना तो लिटरली आपका एक बोछार सा हो जाता है पूरा का पूरा जब आप पी कर रहे होते हो या फिर जब आप नंबर 2 कर रहे होते हो तो कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। ये चैलेंज मैंने यकूत में फेस नहीं किया था लेकिन यहाँ पे है वो चैलेंज। और नीचे ये पहने हुए मैंने
अंदर आपका स्वागत है। ओम्याकुन का जो बोर्ड था ना जहाँ पे लिखा हुआ है ओम्याकुन ओचिन खोलोतना, वो जगह आ चुकी है। पाँच छः मिनट लगे बस जो दूसरा वाला गांव था वहाँ से यहाँ पहुँचने में। ओम्याकुन 71.2 डिग्री सेल्सियस। सुबह सुबह शायद कोई आके फोटो लेके चला गया है यहाँ पे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 1989, सोवियत पब्लिशिंग हाउस 1993, पब्लिकेशन त्रोलिका। एवरेज मिनिमम टेम्परेचर इज -67 इन विंटर एंड +40 डिग्री सेल्सियस, द कोल्डेस्ट मंथ दिसंबर जनवरी फरवरी। ओ भाई साहब, यहाँ पे अभी 918 लोग रहते हैं 2017 के हिसाब से, और यहाँ के जो काफ़ी पॉपुलेशन है यहाँ से छोड़ के अब दूसरी जगह पर मूव हो रही है। इसके अकॉर्डिंग ये जो अभी यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है इसके अकॉर्डिंग यहाँ हर साल लगभग 160 के करीब टूरिस्ट आते हैं। और इंडियन मेरे हिसाब से अपना शुभम ही आया था यहाँ पे सबसे पहले। शुभम यहाँ पे 2020 में आया था, 2020 के स्टार्टिंग में। और मैं और शुभम मिले थे मंगोलिया में 2019 के सेप्टेम्बर या अगस्त के आसपास। मैं और शुभम मंगोलिया में ट्रैवल किए थे, उसके बाद मैं चला गया था चाइना, शुभम आ गया था इधर, और उसी टाइम शुभम ने यहाँ पे विजिट किया था। पोल ऑफ द कोल्ड, तकड़ी ठंड भाई। जो मेरी दाढ़ी है सब जम चुका है इधर से। चलते टाइम आपको इतनी ठंड नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही आप खड़े हो जाओगे ना उसके बाद ठंड लगने वाला जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाता है। अभी फोन से मैंने एक छोटी सी रील बनाई और फोन भाई इतना ठंडा हो गया था कि क्या ही बताऊं। GoPro ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है यहाँ पे एज कम्पेयर टू द फोन। ये देखिए धीरे धीरे जो मेरी दाढ़ी है वापस से जमने लग गई है। जैसे ही मास्क लगाऊंगा दाढ़ी वापस से रुक जाएगी जमनी, और मास्क हटाते या जमना वापस से स्टार्ट हो जाता है। तो लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे होता है सुबह सुबह वॉशरूम में जाना। दूसरा, यहाँ पे जो घर को हीटिंग करने वाला सिस्टम है मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे यूज नहीं करते लोग, यहाँ पे यूज करते हैं लोग एक बड़ा सा हीटर आता है और उस हीटर के अंदर दबा के लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं। जब आप उन लकड़ियों को जलाओगे तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो पानी को गर्म करेगा, पानी को उबालेगा, और उबलता हुआ पानी पूरे घर में सर्कुलेट होगा, और उस उबलते हुए पानी से आपका घर गर्म रहता है। उस सिस्टम के लिए आपको चाहिए होती है लकड़ियाँ। तो लोग यहाँ पे गर्मियों के टाइम पे ही दबा के लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं घर के बाहर, और डेली सुबह उनको छोटे छोटे अमाउंट में कट करके घर के अंदर रखते हैं। दिन में 2 बार लकड़ियाँ चेंज करनी पड़ती है। मैं 2 उंगलियाँ दिखाने वाला था फिर याद आया भाई ये तो ये वाला ग्लव्स है, इसके अंदर ऐसे हाथ होता है और ऐसे अंगूठा होता है बस। ये देखो भाई ये हस्की भाई एक्साइटेड हो रहे हैं, इनको लग रहा है खाने के लिए कुछ मिलेगा, तो मस्त तरीके से जंप करे जा रहे हैं साइबेरियन हस्की। और यार एक मजे की बात बताता हूँ, कल रात को ना मेरे को सुसु आया लगभग 1 बजे के आसपास, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी टॉयलेट तक जाने की। मैंने सोचा कहीं पे ओपन में कर देता हूँ, फिर याद आया भाई अगर ओपन में कर तो देगा तुम, लेकिन पंगा क्या है बर्फ के ऊपर जो सारा येलो येलो सिस्टम है ना वो दिखेगा कि बर्फ एकदम व्हाइट है भाई। तो कभी भी इस टाइम में अगर करो ना ओम्याकुन में खुले में मत कर देना, सारे सबूत आपके सुबह सुबह पता चल जाएंगे। ओम्याकुन पोलुस खोलोदा -71.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था ना वो इसी जगह पे हुआ था। ये देखिए थर्मामीटर का वो दिखा रखा है यहाँ पे। ऐत गोरद गोरद तो ये रिकॉर्ड हुआ था 1991 में। ओम्याकुन में पहुंचने के बाद अब हम सबसे पहले यहाँ पे जा रहे हैं, एक म्यूजियम पड़ता है वहाँ पे, आपको सर्टिफिकेट मिलती है कि आपने इस गांव के अंदर विजिट किया है, तो सर्टिफिकेट को लेने जा रहे हैं। उस सर्टिफिकेट के लिए लगते हैं आपके 1000 रूबल। और आज ठंड एक्सट्रीम होने के कारण जो यहाँ के स्कूल हैं वो तो रखे हैं बंद, नहीं तो मैं आपको स्कूल भी दिखाता। और ये भाई World War II का मेमोरियल, जो लोग ओम्याकुन से शहीद हुए थे World War II के अंदर उनकी श्रद्धांजलि के लिए एक यहाँ पे वो बना रखा है। ये देखिए उधर लिखा हुआ है ना 1941 to 1945। गिटलर्स की दा गिटलर ना, अब मुझे वर्ल्ड वॉर को पता नहीं है रशियन में क्या बोलते हैं, लेकिन ये पता है कि हिटलर को गिटलर बोलते हैं, तो मैंने बोला हिटलर वाले वॉर का है ना, बोलते हाँ। ये देखिए वापस से नाक के नीचे जमना स्टार्ट हो गया, विद इन 2 मिनट्स आपकी हालत ऐसी हो जाएगी। अभी भाई हम अंदर जा रहे हैं अपनी सर्टिफिकेट लेने। तो भाई यहाँ से मैंने मेरा सर्टिफिकेट ले लिया है और इस रजिस्ट्री के अंदर मेरा नाम लिख दिया स्पसीबा, और ये है भाई मेरी सर्टिफिकेट
ओमियाकॉन विजिट करने के। तो जब भी आप ओमियाकॉन आओगे आपको ऐसे ये काउंसिल का ऑफिस मिलेगा और इस काउंसिल के ऑफिस से आप ये वाले जो सर्टिफिकेट है ये कलेक्ट कर सकते हो। आई थिंक मैं यहाँ पे विजिट करने वाला 2845वां बंदा हूँ ओमियाकॉन में। कई ऐसे बंदे भी होंगे जिन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लिया होगा, तो इस नंबर को हम रख सकते हैं 5000 के करीब। 1-2 हज़ार बंदे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कन्फर्म सर्टिफिकेट नहीं लिया होगा, क्योंकि इस सर्टिफिकेट की कॉस्ट है 1000 रूबल, लगभग 900 रुपये अभी के हिसाब से, क्योंकि रूबल का जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, बहुत ज़्यादा, खासकर जो यूक्रेन वॉर है उसके बाद। तो अभी उस बिल्डिंग के अंदर है और जो सर्टिफिकेट है वो भी ले लिया अपन ने। एक मस्त चीज़, थोड़ी देर पहले ही जो मेरे फ़ोन की बैटरी थी 100% के आसपास बैटरी थी, मैंने मान लीजिए मैक्स टू मैक्स 5 मिनट शूट किया होगा और उतने में ही फ़ोन की बैटरी 100 से सीधा 90% आ गई है और बैटरी भाई एकदम डेड हो चुकी थी। डेड तो क्या, 10% बची थी लेकिन वो भी ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा था। वो तो शुक्र है मैं पावर बैंक लेके आया था, मुझे पता था कि इस टाइप की हरकतें हो सकती हैं, फ़ोन कट सकता है। और GoPro की जो एक और बैटरी थी वो तो भाई ऑलरेडी डेड है, वो मर चुकी है अभी। तो ये दूसरे वाली जो बैटरी बची हुई है ना, इससे काम चला रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये कितनी लंबी चलेगी। अब फ़ोन चार्ज भी बहुत जल्दी हो रहा है, इस फोन की बैटरी अभी उतनी थी 10%, अभी 24% हो गई है। तगड़ी ठंडा भाई। और अब हम वापस यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे स्क्वायर के ऊपर, स्क्वायर के ऊपर एक दो फोटो खींचेंगे। ये अपनी सर्टिफिकेट, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना काफ़ी मस्त है, उन्होंने बोलते हैं कि थोड़ी देर बैठ जाओ आप चाय पी लो, ठंड लग रही हो। मैं ठंड तो नहीं लग रही है, मैं एकदम नॉर्मल हो चुका हूँ यहाँ के अकॉर्डिंग। ये भी देखिए, एक लेयर इधर शीशे की और एक लेयर अंदर। इस थर्मामीटर के हिसाब से अभी का टेम्परेचर है लगभग 1 या 52 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही जो ये रेड रेड दिख रहा है ना, कोई ये वाला, ये जो थर्मामीटर इसमें रेड रेड वाला नीचे चला जाएगा। इस साइड है माइनस और उस साइड है पॉजिटिव, तो भी तो भाई कम से कम भी 52 डिग्री का डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव में। -52 डिग्री सेल्सियस अभी का टेम्परेचर, सुबह था -57। तगड़ा सीन है भाई, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, ऐसे करके यहाँ पे आपको वीडियोस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि वरना आप अपने गैजेट्स को ख़राब कर दोगे। और मैंने ऐसा भी सुना है कि एक्सट्रीम कोल्ड में जाने से आपके फ़ोन की जो वारंटी है ना वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर वाले पुर्जों के ऊपर भी अच्छा खासा इफेक्ट आता है, क्योंकि मॉइस्चर पानी है भाई, कैसे ना कैसे करके अंदर पानी पहुँच ही जाएगा। ये है भाई ओमियाकॉन विलेज और ये है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस। मेगाफोन नहीं है तो था, बीलाइन यहाँ पे जो मेगाफोन है वो काम नहीं करेगा, बीलाइन काम करता है। मेगाफोन आपका काम करेगा तुमतौर तक, तुमतौर में अच्छा खासा नेटवर्क है 4G नेटवर्क, लेकिन यहाँ पे लगभग घरों में आपको वाईफाई मिल जाएगा। ये हो गया यहाँ का स्क्वायर और ये हो गया बाकी ओमियाकॉन विलेज। अरे गैस था वो था जार का, वो था टोपलम वाटर बोल रही है शायद, गर्म पानी होगा जो यहाँ के सिटी काउंसिल या गांव सप्लाई करता होगा। ये देखिए 5 मिनट बाहर रहा और 5 मिनट के अंदर इधर दाढ़ी के ऊपर बर्फ जमने लग गई है और आंखें के ऊपर बर्फ जमने लग गई है। ये वाले ग्लव्स अभी तक काम चला रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे इन ग्लव्स के ऊपर ट्रस्ट मत करना, आपको स्पेशल जो यहाँ के लिए ग्लव्स आते हैं ना वही लेने पड़ेंगे। ये आपको बचा सकते हैं 5-10 मिनट के लिए, लंबे टाइम पर अगर आपका एक्सपोजर हो गया ना तो ये आपको उतना ही नुकसान भी कर देंगे। अभी भाई हम दर्शन करने जा रहे हैं यहाँ की मैगजीन का, मैगजीन बोले तो दुकान, रशियन में दुकान को मैगजीन बोलते हैं। मैगजीन तो ये इंडिस की दुकान, रूस की मैगजीन, इंडिस की दुकान, निंदा दुकान यकूत्स्की, ना सॉरी मैगजीन, स्पासिबा एता यकूत्स्की मख्ताल बहुबा बहुबा अतः इंडियस की दुकान दा। अच्छा अब समझा पाया मैं इनको, मैंने इनको बोला कि हिंदी में दुकान बोलते हैं। अरे आई थिंक दुकान भी एक शायद टर्किश वर्ड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। खास करके जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे ना तो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी लोग दुकान मालिक बोलते हैं। एक टाइम पे ये मीम भी फेमस हुआ था अपने नॉर्थ ईस्ट में, जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को शायद इस मीम के साथ ढंग से कनेक्ट कर पाएंगे, दुकान मालिक। ये पहुंच गए भाई दुनिया की सबसे ठंडी दुकान के अंदर। यहाँ का स्कूल सबसे ठंडा स्कूल होगा, यहाँ की दुकान सबसे ठंडी दुकान होगी, यहाँ के जितनी भी चीजें हैं ना उन सब के आगे कम से कम भी 10-15 वीडियो के टाइटल बन सकते हैं, वर्ल्ड कोल्डेस्ट स्कूल, वर्ल्ड कोल्डेस्ट दुकान। अगर आपको कोई अगर कंटेंट क्रिएटर है तो यहाँ से कंटेंट निकालना बड़ा आसान है, लेकिन फिर यार जनता भी जल्दी बोर हो जाएगी।
ये देखिए भाई एक और हस्की यहाँ पे, ये वाले कुत्ते आपको बहुत मिल जाएंगे, कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हैं ये भाई। धूप निकली और धूप निकलने के कारण जो टेम्परेचर है वो -45 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ चुका है, लेकिन इससे नीचे अब नहीं जाएगा। सूरज कैसे निकलता है यहाँ पे? उधर से निकलेगा और इधर छिप जाएगा। 2-2.5 घंटे सूरज निकलता है, दिन रहता होगा यहाँ पे 9 बजे शायद थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है और 3:30 बजे दिन छिप जाता है। 6 घंटे का ये दिन होता है और ये मान लो आज से 15-20 दिन बाद ये 6 घंटे के दिन भी 4 घंटे या 5 घंटे के बन जाएंगे। यहाँ पे इतना डिप्रेसिंग नहीं लगता है, जब आप मुरमंस की तरफ जाएंगे ना वहाँ पे पोलर डे और पोलर नाइट होती है, वहाँ पे तो यार 2-2, 3-3 घंटे के लिए सर्दियों के टाइम पे दिन निकलता है और साथ में इतनी ज्यादा ठंड और ज्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है। आप में से गेम ऑफ थ्रोन्स किस किसने देखा हुआ है, विंटर इज कमिंग टाइप वाला माहौल यहाँ पे आराम से बन सकता है। उसी टाइप के कुत्ते भी हैं, ठंड भी उतनी ज्यादा पड़ती है, एकदम यूं लगता है कि भाई जो व्हाइट वॉकर्स है ना वो कहीं ना कहीं से आ ही रहे होंगे। ये देखो भाई कुत्ते को ठंड लग रही है तो अपना पैर ऊपर कर लिया इसने, खोलो ना बोल। अच्छा इस बेचारे को लगी हुई है, मुझे लगा इसको ठंड लग रही है तो इसने एक पैर ऊपर किया हुआ है। ये देखिए बच्चों के लिए यहाँ पे प्लेग्राउंड बना हुआ है और जो स्कूल है ना वो पीछे रह गया उधर। आज एक्सट्रीम ठंड के कारण जो स्कूल है वो बंद है, या कुछ के अंदर भी जो स्कूल और कॉलेज है वो 50 डिग्री तक तो काम करते हैं, लेकिन अगर 50 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाता है तो स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाता है, और यही सिस्टम यहाँ पे भी काम करता है। और वापस से भाई ये देखिए बर्फ जमने लग गई है। मस्त है भाई, इस टाइम पे गांव का कोई भी बंदा आपको बाहर ऐसे टहलते हुए नहीं मिलेगा, और क्यों ही जाएंगे भाई इतनी ठंड में, किसकी हिम्मत है। अब इतनी ठंड नहीं लग रही है कि कपड़े अच्छे खासे हो गए, नीचे वो वेलन की पहनी हुई है तो नॉर्मल हो, मैं यहाँ पे 1-1.5 घंटे खड़ा रह सकता हूँ बाहर, इतना कॉन्फिडेंस तो है। अब जब भी वीडियो बनाता हूँ तो इस हाथ का जो ये वाला ग्लव्स है ना ये निकालना पड़ता है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 मिनट तक मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ, उसके बाद भी है ना यार ये जो फ्रंट है ना इसके ऊपर मस्त सी सेंसेशन फीलिंग आने लग जाती है, तो तब हाथ वाथ पहन लेता हूँ। फ्रॉस्ट बाइट का जो सबसे ज्यादा डर है ना, एक तो आपके नाक के ऊपर, एक ये जो आपके उंगलियों के आगे वाला फ्रंट है, और जो पैरों में आगे वाले जो टोज होते हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा फ्रॉस्ट बाइट वहीं पे होती है। 3-4 दिन पहले पूरे एक आर्टिकल पढ़ा था यार क्या क्या लक्षण होते हैं फ्रॉस्ट बाइट के, कैसे कैसे उससे बच सकते हैं अगर मान लो गलती से हो जाए। कई केसेस में अगर फ्रॉस्ट बाइट ज्यादा हो जाए तो उंगलियां काटनी भी पड़ सकती हैं। जो माउंटेनियर होते हैं जो कभी कभार माउंट एवरेस्ट की तरफ जाते हैं वो इस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा फेस करते हैं, जितना माउंट एवरेस्ट के ऊपर टेम्परेचर होता है उतना ही यहाँ पे है, तो मेरे हिसाब से माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा टेम्परेचर होगा यहाँ पे। लेकिन माउंट एवरेस्ट के ऊपर हवाएं बहुत तेज चलती है, वो यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे मरना बहुत आसान है बजाय कि यहाँ के। ये भाई यहाँ पे आपको दबा के मिलेगी, ये पुरानी सोवियत टाइप की वैन है। अपने इंडिया में भी इस टाइप की एक वैन एग्जिस्ट करती थी, अगर किसी को याद हो 80s के टाइम पे उसे मेटाडोर बोलते थे, किसी को याद हो तो बताना कमेंट सेक्शन में कि भाई हाँ मेटाडोर याद है, क्यों हरियाणा राजस्थान में मैंने देखी हुई है। पहले हम भिवानी रहते थे ना तो भिवानी से नानी के पास जाते थे तो मेटाडोर में गया हूँ मैं 1-2 बार। पुरानी मूवीज में भी जो विलन आते थे दबा के मेटाडोर में भर के आते थे। ये देखिए जमने लग गई है ना, ये दाढ़ी जम गई है और आंखों के ऊपर जो पलक है वो भी जमनी स्टार्ट हो गई है। मैं बाहर क्यों खड़ा हूँ कि जो मेरी होस्ट है वो अंदर जा रखी है, मैंने सोचा कि अंदर मैं क्या ही करूँगा, बाहर बैठ के थोड़ा अपनी बॉडी के साथ खेल लेते हैं कि भाई कैसे कैसे रिएक्ट करती है कौन कौन सी कंडीशन में। नाक के ऊपर भी भाई मस्त बर्फ जमने लग गई है, बस वेट कर रहा हूँ कि कब मुँह पूरा वाइट हो जाए और एक मस्त सी फोटो निकालूंगा तब। आ गई भाई, अब हम निकल गए यहाँ से जा रहे हैं घर की तरफ, 3-4 मिनट लग जाएंगे घर पर पहुँचना है। भाई वापस अब जा रहे हैं टैक्सी में, फोन जो है पता नहीं वापस से ना अलग अलग टाइप का नाटक कर रहा था, मैंने जेब में डाल दिया और यहाँ पे बर्फ से जम गई थी वो अब चली गई है। ये सीन है यहाँ पे, कभी अंदर कभी बाहर, कभी ठंडा कभी ठीक ठाक, इस कारण से आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है ना वो भी बहुत जल्दी खराब होते हैं। लेकिन इस GoPro की जो नई वाली बैटरी है ना इससे मैं काफ़ी खुश हूँ, और ये कोई भाई पेड प्रमोशन नहीं, इस GoPro को मैं 2017 से यूज़ कर रहा हूँ, अलग अलग टाइप के GoPro आते रहे, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ Hero 9 विद मीडिया मोड, और इसके अंदर मैंने एंड्यूरो बैटरी डाली हुई है और ये एंड्यूरो बैटरी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। वरना जो ये ब्लू वाली बैटरी होती है GoPro की जो इसके साथ आती है वो तो भाई यूँ मान लीजिए थोड़ी सी ठंड में बहुत जल्दी खराब हो जाती है, लेकिन ये एंड्यूरो आप मान सकते हो कि -40 से -45 डिग्री में या कुछ में मैंने लगातार 8 मिनट तक रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी और इसने लगातार 8 मिनट तक रिकॉर्ड किया था, उसके बाद ये 15 मिनट तक स्टार्ट नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन 8 मिनट इतनी ठंडी में रिकॉर्ड करना बड़ी बात होती है।
बस पहुंचने वाले अपने गांव के अंदर। आज एक बात तो माननी पड़ेगी, नेचर ने अच्छा खासा साथ दिया है। ठंड भी मस्त कर दी, -57 डिग्री के आसपास, और धूप भी निकाल दी। धूप निकलने के बाद हाँ जो टेम्परेचर है 50 डिग्रीज के आसपास आ गया है, लेकिन जो व्यू है ना वो और ज्यादा शानदार आ रहा है। और अब मैं ट्राई करूंगा एक बार ड्रोन फ्लाई करने की, अगर काम करता है तो ठीक है, अगर नहीं काम किया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार ड्रोन का तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि एक बार काम कर गया ना ड्रोन पर। पंगा क्या है कि इक्विपमेंट्स को वापस अंदर ले जाना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि ड्रोन का सारा सिस्टम ठंडा होगा, और जब मैं वापस उसे अंदर लेके जाऊंगा ना तो मॉइस्चर काफी आ सकता है। जो टैक्सी वाले भाई हैं वो चले गए हैं, ये भाई साहब की गाड़ी, और ये हम पहुंच रहे हैं घर पर।